नमस्कार, मैं हूं अजय सिंह सिसोदिया। आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज और आज आपके लिए है एक खुशखबरी, गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू। गुड न्यूज क्या है? हमने गाना बनाया था अपने सीमित संसाधनों में, लिमिटेड रिसोर्सेस में। स्पिरिचुअल सॉन्ग था जब से तेरे ज्ञान का बाबा। इस गाने के बारे में बीके सूरज भाई जी ने बहुत कुछ अच्छा अच्छा बोला, जयंती बहन जी ने बहुत अच्छा अच्छा बोला, राजू भाई जी ने बहुत कुछ बोला। ये गाना आप लोगों ने सुना भी, देखा भी। मैं आपको एक बात बता दूं कि एमपी लाइव न्यूज जो है ये भोपाल से हम लोग चलाते हैं, दो या तीन लोगों की हमारी सिर्फ टोटल टीम है। चैनल बहुत तेजी से ग्रो किया, उसकी वजह भी सिर्फ आप ही लोग हैं, क्योंकि आप लोगों ने हमारे वीडियोस देखे हैं, पसंद किए हमारे बहुत सारे वीडियोस, 4 लाख 5 लाख 6 लाख ऐसे भी टच करें, मिलियन अभी हमारा एक भी वीडियो नहीं गया। लेकिन होप हमारी यही है कि यदि आप लोग हमारे साथ रहें तो मिलियन का हम बिलियंस में भी जा सकते हैं। जर्नी की हमारी शुरुआत है। ये जो गाना हमने बनाया था, खुद ही हम ही लोगों ने यहाँ बैठ के, एक अनिल महदेली जी हैं भोपाल में, रिटायर्ड हैं, उनको हमने बोला था, वो राइटिंग करते हैं, कि आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हुआ एक गीत लिखिए और गीत ऐसा होना चाहिए कि जो लोग ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में सब कुछ नहीं जानते हैं लेकिन वो कभी मेडिटेशन करने बैठे तो उनको आनंद आना चाहिए सुन के, रिलैक्स फील होना चाहिए, मूड अच्छा हो जाना चाहिए और योग में, ध्यान में उनका मन लगना चाहिए। तो महदेले साहब इस उम्र में, मतलब तकरीबन मेरे हिसाब से वो 70 वर्ष के होंगे अभी, इस उम्र में वो ब्रह्मा कुमारी इसको उन्होंने ज्वाइन किया, वहाँ इन्वायरमेंट में बैठ कर उन्होंने वहाँ की काफी सारी बातें सीखी, शिव बाबा का पूरा ज्ञान अर्जित किया, उसके बाद ये गीत लिखा। गीत के शब्द बहुत सुंदर हैं। इस गीत को हमने भोपाल में ही कंपोज करवाया, जिन्होंने कंपोज किया अनफॉर्चुनेटली वो ब्लाइंड हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा म्यूजिक में काम करते हैं और जब भी आप उनसे मिलेंगे, हम लोग उनके साथ रहते थे, ऐसा लगता ही नहीं था कि वो देख नहीं सकते, वो हर काम स्वयं करते हैं, सारा एडिटिंग खुद करते हैं, सब उनके पास सॉफ्टवेयर हैं, बोल बोल के वो अपने मोबाइल पे सारी चीजें कर लेते हैं। उन्होंने इस गीत को कंपोज किया, जो सिंगर थे वो इंदौर से थे और एक स्पॉन्सर थी जिन्होंने जो भी खर्चा हुआ इसमें उन्होंने उसको स्पॉन्सर किया था, सुनीता केसवानी मैडम भोपाल से ही। ये सारे लोगों ने मिलकर ये गीत बनाया और ये गीत हम लोगों ने यूट्यूब पर, इसी चैनल पर रिलीज किया। मैं गीत के वर्ड्स फिर से बता रहा हूँ आपको, जब से तेरे ज्ञान का बाबा। अब खुशखबरी ये है कि कुछ समय पहले, हमको नहीं पता है कि ये कैसे हुआ, जब भी आप YouTube पर कोई शॉर्ट डालें या Instagram पर कोई रील बनाएं और वहां पे आप इसको सर्च करें, इस गाने को, जब से तेरे ज्ञान का बाबा, आपके शॉर्ट्स के लिए, रील के लिए, बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए, तो ये वो लोग ऑटोमेटिकली इस सॉन्ग को उन्होंने अपनी लाइब्रेरी में ऐड कर लिया है। तो अभी मैंने काफी सारे शॉर्ट्स बनाए जिसमें मैंने हमारा ही बनाया हुआ गाना जो है उसको हमने शॉर्ट्स में और रील में यूज किया है। तो आप जब भी ये वीडियो देखें, क्योंकि हम ये सारा काम आपके लिए कर रहे हैं, हमको इससे कोई ऐसे बेनिफिट नहीं है कि हम इससे कहीं बहुत पैसा कमा रहे हो, ये प्योरली हमारी सेवा। हम चाहते हैं कि हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए लगातार कुछ ना कुछ करते रहें। इंटरव्यूज तो हम करते ही, आपको अच्छी अच्छी जगह भी दिखाते हैं और अब हम कुछ भजन या आध्यात्मिक गीत भी कंपोज कर रहे हैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेस में, भोपाल में जो भी हमारे पास कैपेसिटी है, क्षमता है, उसी के अंदर हम ये पूरा काम कर रहे हैं। तो ये गीत को आप जरूर सुनिएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, इस गीत का लिंक। और जब भी आप YouTube पे कोई शॉर्ट अपलोड करें या कुछ करें और यदि उस शॉर्ट में ऐसा रिक्वायरमेंट हो कि आपको एक सूदिंग सा, रिलैक्सिंग सा कोई सॉन्ग चाहिए हो, तो इसको सर्च कर लीजिएगा, जब से तेरे ज्ञान का बाबा, तो ये गीत आपको मिल जाएगा। तो इसको आप शॉर्ट्स में भी यूज करिए, बस यही मेरी आपसे विनती है, आग्रह है। और गुड न्यूज ये है कि जो काम हमने किया था स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए, आज वो काम ग्लोबल हो गया है और YouTube ने और सभी सोशल मीडिया बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जितने भी, उन्होंने उसको अपनी ऑडियो लाइब्रेरी में फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड कर लिया, जिसको आप कभी भी यूज कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए और हमको ऐसे ही आप इनकरेज करते रहिए। आप देख रहे हैं एमपी लाइव।